हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अज़हर अली है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और मेरा हेयर फॉल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और मैं काफ़ी क्लिनिक सर्च कर रहा था, काफ़ी ट्रिम भी यूज़ करे मैंने, काफ़ी चीज़ें मैं इंप्रूव कर रहा था। सर को ट्रिम भी कराया, मतलब बालों को ट्रिम कराया कि बाल गंजे होने से थोड़ा सही हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। लेकिन फाइनली मैं हार गया और मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तो तभी एक वीडियो मेरे सामने QHT की आई, उसमें QHT टेक्निक से फिर मैं यहाँ पर विजिट करा, तो मेरा अच्छे से काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेरा ख्याल भी रखा, ट्रीटमेंट करा। मेरे करीब 2500 के आसपास ग्राफ लगे थे और बेहतर रिजल्ट आया। तो दोस्तों, जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था मैंने इस चीज़ को नोट करा, जब मैं काम करता था मेरे कम से कम पर डे के 30-35 बाल रोज टूटते, उससे ऊपर ही हो जाते थे। तो मैंने गौर करा, इसको दिखाना चाहिए, डॉक्टर से भी दिखाया और फिर जो तेल होते हैं उनका भी यूज़ करा, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली QHT टेक्निक से मैंने जब देखा, इसमें इम्प्रूवमेंट देखी कि मतलब इधर से बाल निकालते हैं और इधर फ़ौरन लगा देते हैं, जैसे एक पौधे से जड़ निकाली दूसरी तरफ लगा दी, तो काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट मिली और मुझे दिखी। तो ये टेक्निक भी बेस्ट लगी क्योंकि इसमें गैप कम होता है, नियर बाई करके लगाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से इसमें करते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं एक फ़नी मोमेंट बताना चाहूँगा आपको। मैं फ़ोटो नहीं क्लिक करवा सकता था शादी में, पार्टी में, अपना खुद की सेल्फी भी लेके व्हाट्सएप पे लगाने में दिक्कत होती थी कि रिश्तेदार देखेंगे अब ये तो गंजा हो गया। तो इस चक्कर में मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया फाइनली, तो इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है। मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाता था तो इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेते थे मेरी तरफ कम देखते थे, मेरे हेड की तरफ ज़्यादा देखते थे, लेकिन फाइनली आज मैं इंटरव्यू फेस करता हूँ और अच्छे से हो जाता है मेरा कि यही है और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है मेरे अंदर और मेरी शादी भी होने वाली है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने क्लिनिक काफ़ी ये यूट्यूब पे काफ़ी सर्च करे, लेकिन उनके प्राइस, उनकी और चीज़ें, उनकी टेक्निक वो मेरे समझ में नहीं आती। उनके रिजल्ट देख रहा था, काफ़ी फीडबैक देख रहा था कि गैपिंग आ रही है, ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। फिर मैंने QHT देखा, QHT देखने के बाद मैंने उनके रिजल्ट देखे, 6 मंथ में अच्छा रिजल्ट, 7 मंथ में अच्छा रिजल्ट, 12th मंथ में तो वारे के नारे हो गए थे। और रिजल्ट जब मैंने देखा तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि भाई यही बेस्ट है, QHT जो टेक्निक है और क्लिनिक सबसे बेस्ट यही है, इसको चलते हैं। तो मैं दिल्ली से हरिद्वार आया और मेरा एक दिन में एक सेशन हुआ था, दूसरे दिन में दूसरा सेशन हुआ था और फाइनली मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं सामने। हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब मैं क्लिनिक आ रहा था उससे पहले मैं डर रहा था क्योंकि मैंने वीडियोस में ऑपरेशन होते हुए देखा था, ब्लडिंग भी निकलती है, मैं सोचता था क्या होगा, डर के मारे कि पिंच करेंगे वो, कैसे दर्द होगा मेरे। लेकिन जब मैंने फाइनली जब कराया ना तो मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, तो उससे पता ही नहीं लगा कुछ भी कि क्या हो रहा है, बस एक आवाज़ आ गई पिच, और वो काम हो रहा था। और जब ट्रांसप्लांट पूरा मुकम्मल हो गया, फाइनल हो गया, तो स्वेलिंग मैंने देखी थी यूट्यूब पे की आती है, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ एक स्ट्रिप बैंडेज दी थी, लेकिन मेरे स्वेलिंग नहीं आई उससे, तो मुझे ये चीज़ बेस्ट लगी। और ऑपरेशन के टाइम पे दर्द भी नहीं हुआ और बीच बीच में मुझे रिफ्रेशमेंट देते रहे, वो पूछ रहे थे कि कैसे हो भाई, ठीक हो, खैरियत से हो, बीच बीच में मुझे रिफ्रेशमेंट जूस वगैरह दे रहे थे। तो उसके बाद अच्छा खासा रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है ना, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे बोलते हैं शेड्यूल फेज, आपने सुना होगा। ये लगभग 2 से 3 महीने चलता है, इसमें ऐसा लगता है आपको कि आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया पूरी तरीके से, लेकिन वो जो आपकी जो रूट लगाई गई होती है ना, तो रूट जम जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसको यहाँ से जो है ना शैम्पू वगैरह भी करना होता है तो उसको निकालना पड़ता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है आप गंजे हो गए वापस से, आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 से 3 महीने में आपको ट्रांसप्लांट चलेगा वो। लेकिन उसके बाद जब जड़ पकड़ जाएगी ना वो, फिर ओरिजिनल बाल जैसे लगा देते हैं ना गमले में एक पौधा, ऊपर की जड़ सूख जाती है, फिर धीरे धीरे एक नया फूल खिलता है, तो वो एक नया बाल निकलता है। और आप देख सकते हो मेरे काफ़ी ही अब नया सब बाल आया हुआ है। और जैसे पीछे से मेरे हेयर ग्राफ निकाले गए थे ना, वो करीब आपको 2 से 3 हफ्ते में हील हो जाता है अच्छा सा, और आप देख सकते हो आपको पता भी नहीं लगेगा मेरा यहाँ से ग्राफ निकाले गए। दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक फाइनल एडवाइस देना चाहूँगा,
आप किसी भी तेल के चक्कर में, किसी भी दवा के चक्कर में, किसी भी अदरवाइज कोई टेक्निक के चक्कर में ना रहें। फाइनली मैंने बहुत ट्राई कर लिया, तेल भी यूज़ कर लिए, काफ़ी चीज़ें यूज़ कर ली, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आएगा। जो चीज़ जा चुकी है उसमें जड़ लगेगी जब भी बाल आएंगे। तो फाइनली यही है कि ट्रांसप्लांट जो है एक बेस्ट है, उसी को करना चाहिए। लोग विकी लगा रहे हैं लेकिन जो बाल उनके ओरिजिनल होते हैं वो भी उड़ जाते हैं उसकी अंदर की हीटिंग गर्मी से। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, असली फैक्ट है, यूट्यूब पे देखा है काफ़ी मैंने, और जो देखा है लोग लगाते हैं उनको बीमारियाँ भी हो जाती हैं विक लगाने से। लेकिन ये अगर आप ट्रांसप्लांट कराएंगे इसमें सब कुछ सेफ़ है, और मतलब नॉर्मल इंसान भी करा सकता है इसको। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं वही करा रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान भी करा सकता है। लेकिन आप में वो एक क्षमता होनी चाहिए कि आप कैसे डॉक्टर को कन्विंस करते हैं, आपका हो जाएगा आराम से। आप चाहें यहाँ पर विजिट करें और आपका ट्रांसप्लांट अच्छे से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू QST, थैंक यू ऑल टीम, बहुत अच्छे से केयर करी मेरी, बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मेरी सारी चीज़ें केयर करी बराबर से। हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, बस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट एक चीज़ करिए कि अपने क्लिनिक के जो पेशेंट आते हैं ना उनको प्लीज़ एक बार कॉल कर लिया करिए फीडबैक देने के लिए, कि कॉल करके जो है ना कि आपको आना है इस टाइम पे, बस इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ओके थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।